आपको लगता है आप डरपोक होते जा रहे हैं, इसलिए हमें चिंता हो रहे हैं, आप लड़ते जाओ। मैं नहीं, सारे देश आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, भारत अब यह कमजोर भारत नहीं रहा है, भारत अब यह ताकतवर भारत बन गया है। भारत की तरफ यदि कोई भी आंख उठाकर देखने की जरूरत करेगा तो भारत उसका मुंहतोड़ जवाब देने की हैसियत रखता है और ताकत रखता है। इतना नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सौम्य स्वभाव के माने जाते हैं और विपक्षी दल हैं उनमें भी उनकी स्वीकारिता है, सबसे बातचीत कर लेते हैं। लेकिन आज लोकसभा में कुछ ऐसा हुआ कि अधीर रंजन से राजनाथ सिंह की हो गई भिड़ंत और राजनाथ सिंह काफ़ी गुस्से में दिखे। सबसे पहले सुनिए कि अधीर रंजन चौधरी जो कांग्रेस के लोकसभा में नेता हैं वो क्या कह रहे हैं। चाहते हूँ हमारे रक्षा मंत्री जी को बताइए, लद्दाख की हाल क्या है? आपने कहा था कि स्टेटस को एंटी को रिस्टोर करेंगे, यथास्थिति को बहाल करेंगे, कहाँ बहाल हुई है सर? दिन पे दिन लद्दाख की हालत बुरा होते जा रहे हैं, 2000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया अतिक्रमण हो चुके हैं, ये 20 राउंड मिलिट्री टॉक्स हुए हैं, 28 राउंड डिप्लोमेटिक टॉक्स हुए हैं, आज वहाँ चरवाहों ने जाने नहीं पाते हैं अपना जमीन पे, वो चराई करने नहीं जा पाते हैं। लद्दाख के लोगों को पूछिए क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों आप चुप बैठे हैं? अरुणाचल से लेकर लद्दाख तक हाल दिन पे दिन बुरा होते जा रहे हैं। जब गलवान घाटी में इस तरह की घटना घटी जहां हमारा 20 जवानों को शहादत देने पड़ी, आपने कह दिया, सर्टिफिकेट दे दिया, कोई नहीं घुसा, कोई घुसा हुआ नहीं है। इसमें सबसे बड़ा अगर हिम्मत किसी को मिली है तो चाइना को मिले। आप देखिए, आपकी जमाने के पूरे 2014 से लेकर आज तक एक के बाद एक चाइना पॉलिसी में आप फेलियोर और फेलियोर अब दर्शाते हैं। 2014 में देखो, 2017 में देखो, 2019 में देखो, 2022 में देखो, कभी दोकलाम, कभी लद्दाख, कभी अरुणाचल, एक के बाद एक देखते जाइए हमारे फॉरेन पॉलिसी में, और सिक्योरिटी हालात दिन पे दिन बदतर होते जा रहे हैं। आपको ये नहीं सोच आ रहे हैं आज मालदीप में क्या हो रहे हैं? आप मालदीप में क्या हो रहे हैं? इंडिया आउट नारा लगाते हुए एक चुनाव होते हैं और आपका अजीत डोभाल कहाँ थे उस समय? अधीर रंजन चौधरी बाकायदे बीजेपी सरकार पे आरोप लगा रहे हैं कि आप विदेश नीति के मामले में फेल हो रहे हैं, मालदीव में फेल हो रहे हैं, चीन में फेल हो रहे हैं, सब जगह फेल ही तो हो रहे हैं। और जैसे ही चीन पे उन्होंने जोर दिया कि 2000 वर्ग किलोमीटर हमारी चली गई है, चीन ने कब्जा कर लिया है, वैसे ही राजनाथ सिंह से रहा नहीं गया। फिर उठ करके उन्होंने क्या दिया है जवाब और किस अंदाज में बोले हैं वो भी सुन। मैं गल्फ ऑफ अदेन, प्लीज 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 अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं, भारत अब यह कमजोर भारत नहीं रहा है, भारत अब यह ताकतवर भारत बन गया है। भारत की तरफ यदि कोई भी आंख उठाकर देखने की जरूरत करेगा तो भारत उसका मुंहतोड़ जवाब देने की हैसियत रखता है और ताकत रखता है, इतना ही मैं कहना चाहूंगा। और अनावश्यक अपने देश को इस पार्लियामेंट के फोरम पर बदनाम नहीं किया जाना चाहिए अधीर रंजन जी चौधरी। कभी 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 चर्चा करनी होगी तो हम आपसे चर्चा करेंगे। राजनाथ सिंह कह रहे हैं कि अब वो भारत नहीं रहा, भारत आज के डेट में बहुत मजबूत भारत है और कोई भी हो फर्क नहीं पड़ता, भारत जो है मुंहतोड़ जवाब देगा। जैसे ही वो राजनाथ सिंह इतनी बात बोले, फिर आगे बोले कि इस पार्लियामेंट्री फोरम का जो है इस्तेमाल भारत पर ऐसे आरोप लगाने के लिए नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद अधीर रंजन फिर जवाब देने के लिए आए और वो बोल रहे हैं, वो भी सुन लीजिए। मैं कोई मानगरण बात नहीं करते राजनाथ सिंह जी, भरोसा रखो, मैं भी एक शेक होल्डर हूं इस सरकार की, देश की। मैं जो कहे जाते हैं ये औपचारिक तरीके से जो कहे जाते हैं पेपर में कही है, टीवी में कही, उसी को मैं जिक्र करते हैं। ये कह रहे हैं कि आप डर रहे हैं, हम भी इस भारत के हिस्से हैं, इसलिए हम आपको याद दिला रहे हैं कि आप डरिए मत, कांग्रेस और पूरा देश आपके साथ खड़ा है। दरअसल राजनाथ सिंह ने इसके पहले ये कहा था कि यदि कांग्रेस पार्टी की भी सरकार होती तो बीजेपी की नीति रही है कि देश के मामले में वो साथ खड़ी रही है, हमेशा कांग्रेस सरकार के साथ होती। और ये जो है संसद में ऐसी बातें बोल रहे हैं, उसी पर
अधीर रंजन बोले कि हम भी आपके साथ हैं, लेकिन आप डर रहे हैं, डरने की जरूरत नहीं है। गौरव गोगोई जो कांग्रेस के सांसद हैं वो भी इस दौरान काफ़ी एक्टिव दिखे। पहले तो उन्हें ऐसा लगा जैसे कि ये गलत बॉल को खेल गए हैं अधीर रंजन चौधरी, क्योंकि पीछे से कुछ इशारा कर रहे हैं। बाद में उन्होंने इसको इस तरीके से संभाला कि चीन पे तो हम कब से चर्चा की मांग कर रहे हैं, चर्चा कराइए ना, क्योंकि राजनाथ सिंह ये भी बोले थे जब कभी चर्चा होगी तो विस्तार से इस पर हम जवाब देंगे। बीच में स्पीकर को भी इंटरफेयर करना पड़ा है कि अधीर रंजन जी, रक्षा मंत्री ने जवाब दे दिया कि हम किसी से न समझौता कर रहे हैं न डर रहे हैं। तो रहिए बेखबर।